हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आप लेके आए इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का थर्ड टाइप होता है। आपको याद होगा पहले हमने SE1 SE2 डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे SEI यानी कि इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आइए डिस्कस करते हैं। इन दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट sp3 हाइब्रिडाइज सब्सट्रेट एंड ऑल्सो एसिस इन रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। बच्चों होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो sp3 हाइब्रिडाइज सब्सट्रेट पे तो अटैक करेगा ही करेगा, लेकिन लिविंग ग्रुप को निकालने में भी हेल्पफुल रहेगा, उसको भी वो निकालेगा। अब ये एक रिएक्शन से क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट RMXN लिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पे रिएजेंट है EN, और आप देखिए यहाँ पर सबस्ट्रेट से R पर रिएक्शन हुई, बना हमारा RE प्रोडक्ट, और ये हम आप देख पा रहे हैं, और ये बन निकल गया हमारा यहाँ से साइड प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, हुआ क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सबस्ट्रेट के साथ तो कंबाइन हुआ ही हुआ है, लेकिन उसने यहाँ पे लिविंग ग्रुप MXN को भी निकाला है। डेट्स वाई इट इज नोन एज इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SEI इज कंसर्टेड रिएक्शन मीन्स बॉन्ड क्लीवेज एंड फॉर्मेशन अकर सेम टाइम। बच्चों जो इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ये कंसर्टेड होता है, यानी कि एक ही टाइम में बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना होगा। रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय SE2 फ्रंट मैकेनिज्म एंड यील्ड्स रिटेन प्रोडक्ट। आपको याद होगा SE2 जो हमने डिस्कस किया था, तो SE2 थी जो वहाँ पे दो तरीके से थी, SE2 बैक और SE2 फ्रंट। तो यहाँ पे जो हमारी SEI होती है उसमें SE2 फ्रंट मैकेनिज्म होती है, और बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा रिटेन रहेगा, कॉन्फिग्रेशन सेम रहेगा। समटाइम्स SEI रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड SE2 साइक्लिक और क्लोज्ड बिकॉज इट प्रोसेस seeds via 4 or 6 or 8 membered cyclic transition state depending upon the reaction condition। बच्चों होता है क्या है कि जो SEI रिएक्शन है हमारी इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके कुछ कॉमन नेम भी हैं, SE2 साइक्लिक या SE2 क्लोज भी आपको देखने के लिए या पढ़ने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको इसलिए टर्म यूज करते हैं। इस रिएक्शन मैकेनिज्म में 4 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड या 8 मेंबर्ड जो है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और तब जाके हमारा बनता है प्रोडक्ट। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे सबस्ट्रेट कैसा है, कंडीशन कैसी है। देख पा रहे कि ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा यहाँ पे रिएजेंट है, रिएक्शन हुई और इस तरीके से हमारा 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, 1 2 3 4 4 मेंबर। हो सकता है किसी रिएक्शन में आपको 4 मेंबर या 6 मेंबर या 8 मेंबर देखने को मिले, डिपेंड करता है कंडीशन वहां पे क्या रहेगी। उसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे दो काम करेगा, एक तो वो इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, क्लियर है आपको, और दूसरा जो है यहाँ पर ये जो बॉन्ड, जब ये बॉन्ड क्लीव होगा रिएजेंट का ई का एन के साथ में, तो ये वाला बॉन्ड बनना स्ट्रॉन्गर होगा। तो कहीं ना कहीं इसका ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग, ये वाली बॉन्ड ब्रेकिंग और ये वाली जो बॉन्ड मेकिंग है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पे ये वाले बॉन्ड जो है आप देख पा रहे हैं, सारे बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग एक साथ हो रहे हैं, और इलेक्ट्रोफाइल कहीं ना कहीं ये बॉन्ड ब्रेक करके MN के बॉन्ड को बनने के लिए ये फेवर करता है, जिससे कि MN का बॉन्ड जल्दी बनता है। यहाँ पे कुछ मिसिंग है बच्चों, यहाँ पे MXN जोड़ लीजिएगा, ये मिसिंग था हमारा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही ये बॉन्ड के साथ बनेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा और ये हमारा बाहर आ जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना है रिटेन प्रोडक्ट, जो कॉन्फिगरेशन हमारे स्टार्टिंग मटेरियल का था बिल्कुल वैसा ही आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। SE2 फ्रंट मैकेनिज्म से रिएक्शन जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, और इसमें बनती है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और जो प्रोडक्ट बनेगा सो कॉन्फिगरेशन सेम रहेगा। So this was all about the internal electrophilic substitution reaction. याद रखिएगा इसका दूसरा नाम SE2 cyclic या SE2 close reaction भी होता है। Hopefully आपको clear हुआ होगा।